यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। यहोवा यो कहता है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखो और न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। उनसे तो अन्य जाति के लोग विस्मित होते हैं और देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। यह मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, काटी हुई लकड़ी है, कारीगर ने उसे बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिलडुल न सके। वे खरात कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। तुम उनसे मत डरो क्योंकि वे न तो कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू तो महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा? क्योंकि यह तेरे ही योग्य है और अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख ही है। निकम्मी वस्तुओं की शिक्षा क्या? वे तो काठ की है, पत्थर बनाई हुई चांदी तारशिश से लाई जाती है और सोना उफाज से जो कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंजनी रंग के वस्त्र है। निदान उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगिरी है। परंतु यहोवा सचमुच परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ऐसा कहना कि ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के तले से नष्ट हो जाएंगे। उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता है और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सुनारों की आशा अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण टूटती है क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस है ही नहीं। वे तो व्यर्थ और ठट्टी ही के योग्य है। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नाश होंगी। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है क्योंकि वह तो इन सब का सृजनहार है और इसराइल उसके निज भाग का गोत्र है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा ले क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में धर के फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैं सोचता हूं कि यह तो मेरा ही रोग है, इसलिए मुझको इसे सहना ही होगा। मेरा तंबू लूट गया और सब रस्सियां टूट गई। मेरे लड़के बाले निकल गए और नहीं मिलते। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हो गए हैं और उन्होंने यहोवा को नहीं पुकारा। इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई है। एक शब्द सुनाई देता है, उत्तर की दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है। वह आ रहा है ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़कर गिद्दड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य की गति उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु अपने पैर स्थिर नहीं कर सकता। हे यहोवा,
मेरी ताड़ना पर विचार कर, परंतु क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मैं नाश हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करती, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है।